नमस्कार, तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में जाने मनप्रीत मोनिका सिंह के बारे में, जिन्होंने बनाया है एक नया इतिहास। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह रविवार को हैरिस काउंटी के न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में शपथ लिए। वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश यानी कि फर्स्ट फीमेल सिख जज बन गई हैं। मोनिका सिंह का जन्म पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ था और अब वह अपने पति और दो बच्चों के साथ ब्लेयर में रहती हैं। अमेरिका में अनुमानित 5 लाख सिख हैं, जिनमें से 20,000 सिख ह्यूस्टन क्षेत्र में रहते हैं। मोनिका का कहना है कि एक न्यायाधीश के रूप में उनका चुनाव सिख समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। 70 के दशक में अमेरिका आया था परिवार। यह तथ्य है, मनप्रीत के पिता का संक्षिप्त नाम है एजे, जो एक वास्तुकार हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका चले गए थे। वह कहती हैं कि उस दौर में मेरे पिता को एक पगड़ीधारी सिख के रूप में भेदभाव का सामना करना पड़ा था और उस समय अप्रवासियों के लिए भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए कोई मंच नहीं था। मोनिका कहती हैं कि अब समय बदल गया। स्कूल में मेरे भाई को भी धमकाया जाता था, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हालांकि यह भेदभाव यानी कि वास्तव में अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हम सभी अभी भी किसी न किसी स्तर के भेदभाव से गुजरते हैं। वह कहती हैं कि एक अधिवक्ता के तौर पर मैंने हमेशा एक संकल्प खोजने और बदलाव लाने की कोशिश की है। सभी रंग की महिलाओं के लिए एक राजदूत है मनप्रीत, तथ्य है। ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि यह सिख समुदाय के लिए एक गर्व का दिन था, लेकिन सभी रंग के लिए गर्व का दिन माना जाना चाहिए। जो कोर्ट की विविधता में ह्यूस्टन शहर की विविधता को देख रहे हैं, मनप्रीत न केवल सिखों के लिए एक राजदूत यानी कि एम्बेसडर हैं, बल्कि वहां सभी रंग की महिलाओं के लिए भी एक राजदूत हैं। जी हां, तो तथ्य में आपने देखा मनप्रीत का जलवा, मनप्रीत का दनका और मनप्रीत का वहां की जुडिशरी यानी कि वहां की लीगल सिस्टम में दबदबा। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।